हमने देखा है चेन्नई की तरफ से वो है उनकी दरिया दिली। कुछ लोग आए हुए चाय और कॉफी लोगों को दे रहे हैं और बिस्किट दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे उनके पास पैसे नहीं है खाना खाने के लिए। और आप देख सकते हैं कि लाइन लगी हुई है यहाँ पे, और वो मानवता के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के वास्ते उन्होंने ये किया है। अगर मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आपने ये आइडिया क्यों आइडिया कैसे आया कि आपको यहाँ पे आके चाय और बिस्किट देनी है? आज हम स्टेशन पर आए थे हमारे किसी रिश्तेदार को देखने के लिए, और जहाँ स्टेशन पर लोगों की हालत देखी वो इतनी बदतर थी कि लोग चाह के भी यहाँ कुछ खाने पीने का अरेंज नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हमारे मन में आया, हमारी संस्था तमिलनाडु जैन महामंडल और सारे संस्थाओं के लोगों ने मिलकर तुरंत ही अपनी एक मीटिंग बुलाई और आइटम लेकर निकल पड़े हम लोग। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी चाय पिलाया जा रहा है, बिस्किट दिया जा रहा है। और आपको ये भी बताओ कि लोग यहाँ पे पता नहीं कितने घंटों तक अटके रहेंगे यहाँ पे, कि उनको कब अगला ट्रेन कब मिलेगा वो नहीं पता होगा। पर पोरेंगे इनको बंगल ट्रेन रुकाऊंगा, देखिए आप सिस्टर देख सकते हैं विजयवाड़ा जाने की, बट वो रात भर यहाँ पे रहेगी। बात यही है कि आखिर में चेन्नई में हमने एक और देखा है कि लोगों ने कहा कि अगर वो कहीं जगह पे अटके हुए हैं, वो कुछ लोगों की नंबर्स दिए गए थे जहाँ पे वो उनके घर जा सकते हैं, रह सकते हैं, खाना पीना दिया जाता है, और जब जो पूरी बारिश रुक जाए वो अपने अपने घर जा सकते हैं। ये है चेन्नई का एक दूसरा एंगल, जो बहुत सारे लोग जिस तरह से आप देख रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, रात भर यहाँ पे रहेंगे तो क्या होगा। तो जो मानवता के नाम पे जो हो रहा है वही सबसे बड़ी बात है। कैमरामैन मधु के साथ रोहिणी स्वामी, चेन्नई आज तक।